नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला का स्वर अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अंग की आवाज आ रही है अंगूर बोलने में सबसे पहले, इसीलिए अंग से अंगूर। और अंग लिखना देखें कितना आसान है। सबसे पहले के अनार जैसा बनाइए और ऊपर बस एक बिंदी लगानी है, ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगानी है तो ये बन जाएगा अंग। क्या बन जाएगा? अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और अंग से अंडा, अंग से अंडा, अंग से अंडा। अंग से अंगूठी, अंग से अंगूठी। अंग से अंग, अंग। अंग क्या होते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दिखाए हैं आपको। ये बॉडी पार्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग। ये सब हमारे क्या हैं? अंग हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग। ठीक है, अंग से अंग, अंग से अंक, अंग से अंक। अंक मतलब जो नंबर्स होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। ये सब हमारे अंक है, एक दो तीन, ये क्या है? अंक। चलिए, अब हमने अंग तो सीख लिया, अंग से शुरू होने वाले शब्द भी सीख लिए। अब जो अभी तक हमने सीखा है उसको थोड़ा दोहराते हैं। मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखा रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से अक्षर से, कौन से स्वर से शुरू होते हैं। ठीक है, सब बच्चे बताइए, सबसे पहले चित्र कौन सा है? एक तारा। सबसे पहले चित्र कौन सा है यहाँ पे? एक तारा। तो बताइए एक तारा किससे आएगा? किससे आएगा? ए। किससे आएगा? ए। ए से एक तारा। सबको याद है ना, हमने इससे संबंधित एक्टिविटी भी करी थी, ए से एक तारा। और अगली पिक्चर कौन सी, अगली तस्वीर कौन सी है? ओखली। कौन सी है? ओखली। क्या करते हैं ओखली में? मम्मी अदरक कूटती है, छोटा छोटा मसाला कूटती है, इलायची कूटती है ना, ओखली रसोई में होती है मम्मी के पास। ओखली किससे आएगी? ओ ओखली, याद है बच्चों को? ओ ओखली, ओ से ओखली। अब बताइए ये तस्वीर किसकी है, क्या है ये, कौन बच्चा बताएगा? सब बच्चे देखिए, अंगूर। क्या है ये? अंगूर। ठीक है, हमने पहले आपको ग्रीन वाले अंगूर दिखाए थे, हरे अंगूर दिखाए थे, अब ये पर्पल वाले, ब्लैक वाले ग्रेप्स हैं। ठीक है, अंगूर किससे आएगा? अंगूर अंग से। किससे आएगा? अंग से। और ये क्या है? अखरोट। क्या है ये? अखरोट। अखरोट किससे आएगा? बताइए बताइए, सोचिए। सीखा था आप सबने? यस, अ से अखरोट, अ से अखरोट। और ये कौन बैठा है बताइए? कौन बैठा है ये? ऊंट। कौन बैठा है? ऊंट। सवारी करी है आपने ऊंट की? तो बताइए जल्दी से, ऊंट किससे आता है? कौन से अक्षर से शुरू होगा ऊंट? ऊ से। शाबाश, किससे शुरू होगा? ऊ से। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट। अच्छा, अब ये हमारा आखिरी चित्र किस चीज का है? ये है आड़ू। क्या है ये? आड़ू। कौन सा फल है ये? आड़ू। आड़ू किससे शुरू होता है? आड़ू कौन से अक्षर से आएगा, कौन से स्वर से आएगा? आ आड़ू, आ आड़ू। याद है सब बच्चों को? आ से आड़ू, आ से आड़ू। ठीक है, तो अब हमने अ से लेके अंग तक सीख लिए हैं। सब बच्चों को सारे स्वर दोहराने हैं और इन सबसे शुरू होने वाले शब्दों को भी दोहराना है और खुद से नए शब्द भी सोचने हैं कि वो कौन से अक्षर से शुरू हो रहे हैं, उनमें पहली आवाज कौन सी आ रही है। ठीक है बच्चों, शाबाश। सब बच्चे अच्छे से काम करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ।